हाय गाइस, दिस साइड सीएमए गुलशा। इस वीडियो में आपके लिए लेके आ रहा हूँ कि क्वार्टर रिजल्ट का इम्पैक्ट बिजनेस पे क्या होता है। लास्ट दो वीडियो में आपने देखा कि इम्पोर्टेंस ऑफ क्वार्टर रिजल्ट एंड हाउ टू एनालाइज क्वार्टर रिजल्ट। अभी देखेंगे कि रिजल्ट कैसे देखना है पता चल गया, उसका इम्पोर्टेंस पता चल गया, अभी उसका स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट क्या होता है ये इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊंगा वो आपके सामने आ जाएगा। और नीचे मैंने एंजल ब्रोकिंग का आपको लिंक दिया है, जहाँ पे आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं एंड आपको 1 ईयर एमसी फ्री है, स्मार्ट एपीआई है, बहुत सारे फीचर्स है, पर्सनलाइज एडवाइजरी है, काफ़ी सारा रिसर्च करके दिया है एंड इसे फुल टाइम ब्रोकर जहाँ पे सभी सर्विस आपको एक जगह पे मिलती है। तो करना क्या है, फटाफट उसको डाउनलोड करना है एंड एक दिन में आपका अकाउंट एक्टिव एंड ट्रेड करना स्टार्ट। चलो, सो क्वार्टर रिजल्ट का मार्केट पे इम्पैक्ट क्या होता है, वेरी मैंने कुछ 5-6 पॉइंट्स दिए है। सी, आप भी बता सकते हैं कि जब भी रिजल्ट इम्प्रूव होता है तो डेफिनेटली क्या होता है, मार्केट में प्राइस इम्प्रूव हो जाता है एंड स्पेकुलेशन अराइज हो जाता है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, प्राइस बढ़ने वाला है तो पीपल स्टार्ट बाइंग। तो अगर एक क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा आता है तो डेफिनेटली आप देखना, जिस दिन रिजल्ट आता है ना उसके बाद शेयर का ट्रेडिंग बढ़ जाता है। बिकॉज मतलब दैट मीन्स एज ए इन्वेस्टर यू कैन डिसाइड योर स्ट्रैटेजी कि उस कंपनी में रहना है कि नहीं रहना है। अच्छा, ये कंपेयर कैसे करना है मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया, मनी कंट्रोलर की वेबसाइट जाके मैंने आपको क्वार्टर रिजल्ट कंपेयर कैसे करना है मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम आया तो मैंने बहुत सारे वीडियोज रिकॉर्ड किए, दिस इज नथिंग बट बिगिनर कोर्स फॉर स्टॉक मार्केट। जिन लोगों को बेसिक जानकारी चाहिए उनके लिए मैं कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, तो इसको डिटेल में देखना है। एंड जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको नहीं पता तो उनके लिए भी बेनिफिशियल है, ठीक है? ओके, सो तो जब भी कोई बड़ी न्यूज आती है, आप देखना जो बड़े बड़े कंपनी के डायरेक्टर वगैरह वो भी टीवी में आके, न्यूज सीएनबीसी में आके, दे एक्सप्रेस देमसेल्फ कि क्या कंपनी की स्ट्रेटेजी है, क्या होने वाला है। जैसे इनका एंट्री होता है इमिजिएटली प्राइस पे इंपैक्ट होता है। सो वन थिंग इज श्योर, वेन एवर देर इज एनी न्यूज अबाउट द कंपनी, इधर पॉजिटिव और निगेटिव, इट विल इम्पैक्ट द मार्केट। सो इसलिए यू नीड टू बी वेरी वेरी अलर्ट। स्टॉक मार्केट में अगर आपको पैसे कमाना है तो दो चीजें बहुत जरूरी है, आपको अच्छा अपडेट होना चाहिए नॉलेज का एंड वी हैव टू वी आपको उस पर टाइम डिवोट करना पड़ता है। ये सबको आपका पोर्टफोलियो ट्रैक करना पड़ता है, टाइम डिवोशन देना पड़ता है एंड नॉलेज होना चाहिए। तीन चीजें आपके अगर आपके पास है तो यू कैन मेक मनी। यस, पेशेंस भी रिक्वायर्ड है। तो अगर आपके पास नॉलेज चाहिए तो मैंने जो कहा है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिसमें आपको बहुत सारे अच्छे कंटेंट्स मिल जाएंगे। देन काफी लोग, जैसे मैंने कहा कि क्वार्टर रिजल्ट में आप शेयर्स खरीदने का भी सोच सकते हैं। यस, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में एग्जांपल दिया था कि जो कंज्यूमर ड्यूरेबल है, जो पर्टिकुलर सीजन में चलते हैं, पर्टिकुलर सीजन में चलते हैं, है ना? जैसे जब ठंडी आती है, मतलब विंटर चालू होता है, तो काफी सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का देखो एडवर्टाइजमेंट आना स्टार्ट होता है। तो उस तरह के आप कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो बारिश जैसे आती है लोग बीमार पड़ते हैं, तो फार्मा इंडस्ट्री का सेल बढ़ता है क्योंकि लोग बीमार ज्यादा पड़ते हैं तो मेडिसिन का सेल ज्यादा होता है। तो डेफिनेटली आपने इस चीजों का फायदा लेना चाहिए। तो आप लास्ट 5 क्वार्टर का परफॉर्म चेक करो। क्वार्टर का मतलब क्या, पर्टिकुलर सीजन का। अगर लेट्स से एग्जाम्पल समर में एसी ज्यादा चलता है, कूलर ज्यादा चलते हैं, तो उसी समर का लाइक अप्रैल टू जून का 5 क्वार्टर का सेल्स कंपेयर कंपनी का एंड चेक करो कि अगर वो सेल्स ग्रो हो रहा है तो आप 5 साल के प्रॉफिट भी चेक करो। कंपनी का शेयर प्राइस कि सीजन स्टार्ट होने के पहले कितना था, 1 अप्रैल को कितना था, 30 जून को कितना था, ऐसे लास्ट 5 ईयर का कंपेयर करो सेम पीरियड का। मैं लास्ट 5 क्वार्टर का नहीं बोल रहा हूँ, सेम क्वार्टर फॉर लास्ट 5 ईयर्स। तो आपको पता चलेगा कि क्वांटिटी का सेल बढ़ रहा है तो प्राइस भी बढ़ रहा है। तो डेफिनेटली आपने उस सीजन के पहले शेयर खरीदना चाहिए। तो इससे अपने को एक बाइंग पैटर्न समझ में आता है, स्ट्रेटेजी डेवलप होती है कि कौन सा शेयर कब खरीदना है। विंटर जब जब समर खत्म होता है तो लेके मतलब नहीं, क्योंकि वो इतना उसका सेल नहीं होता है। तो आप आपके हिसाब से आपका एक एक्शन प्लान बना सकते हैं एंड जब फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होते हैं तो आप शेयर्स लेना अवॉइड भी कर सकते हैं। तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, निगेटिव भी है, दोनों तरफ से आपको देखना है। तो ये 5 कंपनीज है जो मैंने दिया है, जो सीजन बेसिस, जैसे पीवीआर सिनेमा, यहाँ पे अपन क्या करते हैं, छुट्टियों में अपन मूवी देखने ज्यादा जाते हैं तो उस सीजन में उनका बिजनेस बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आपको पीवीआर सिनेमा में इन्वेस्ट करना है तो जब भी स्कूल को छुट्टी होती है उसी पीरियड का लास्ट 5 साल का डेटा चेक करो, अगर जो भी अवेलेबल डेटा है एंड डिसाइड यू।
वोल्टास का मैंने कहा था, टाटा मोटर्स कार कब सेल होते हैं मैंने कहा था आपको, दिवाली फेस्टिवल सीजन में। एशियन पेंट पेंटिंग हम कब कराते हैं, फेस्टिवल में हम मोस्टली पेंटिंग कराते हैं। हीरो मोटर का टू व्हीलर का सेल कब होता है, वही सेम दिवाली दसरा जो भी त्यौहार होते हैं इंडिया में, अपन उस समय गाड़ियाँ लेते हैं। गणेश फेस्टिवल अभी आएगा, दिवाली आएगा तो सेल दबा के होता है। तो ये आपको ऑब्जर्व करना है एंड आप आपका इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी डिसाइड करते हैं। प्लस खाली कंपनी का नहीं करना है, इंडस्ट्री एनालिसिस भी आपको करना है कि कौन सा इंडस्ट्री आगे जाके ग्रो करेगा, है ना। तो कार मेकिंग कंपनी ग्रो करेंगे बट उनको अभी ईवी जल्दी लेके आना पड़ेगा, तो क्योंकि गवर्नमेंट डीजल बंद करने वाली है। तो टाटा मोटर्स की काफ़ी सारी गाड़ियाँ डीजल की है ना, तो अभी वो गवर्नमेंट कौन सी गाड़ियाँ बंद करने वाली है ये भी क्वेश्चन मार्क है। लेकिन उन्होंने अभी ईवी में बहुत अच्छा काम किया है। आई थिंक टाटा मोटर वन ऑफ द बेस्ट कॉम्पिटिटर इन ईवी मार्केट उन्होंने अभी रूल किया है। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा एंड अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो कहने का पर्पज़ क्या है कि आप नॉलेज लो उसके बाद इन्वेस्ट करो, खाली रैंडमली इन्वेस्ट करके नहीं होगा। एंड ये जो मैंने पांच कंपनी दी, आपको एक ऐसा होमवर्क दिया है कि इन पांच कंपनी का आप पेपर पे एक टेबल बनाओ, पांच कंपनी का उस पर्टिकुलर सीजन में, या कोई और भी आप कंपनी लो जो पर्टिकुलर सीजन में चलती है, और उस सीजन का पांच क्वार्टर का डेटा निकालो कि ओपनिंग प्राइस कितना था, क्लोजिंग प्राइस कितना है, क्वांटिटी वाइज सेल कितना था, प्रॉफिट कितना हुआ। उससे आपको ऑटोमेटिक आइडिया आ जाएगा कि ये कंपनी 5 साल से पर्टिकुलर सीजन में उसका प्राइस बढ़ता है, तो डेफिनेटली ये बाय आपके लिए। एंड अगर कम हो रहा है तो फिर आप नहीं खरीदना है, क्योंकि फिर वो कम हो रहा है तो मतलब नहीं है ना। तो ये उसका फायदा है। तो डिक्लाइन ट्रेंड है या इंक्लाइन ट्रेंड है ये अपने को पता चलता है। एंड बाकी लोग कब इन्वेस्ट करते हैं ये भी अपने को पता चलता है कि व्हेन पीपल आर, उस समय शेयर्स का वॉल्यूम भी चेक करो कि कितने शेयर्स का वॉल्यूम ट्रेडिंग हो रहा है। ये सब डेटा मनी कंट्रोल पे अवेलेबल है, आप वॉल्यूम भी चेक कर सकते हैं कि कितना वॉल्यूम एक दिन में एक शेयर का कितना खरीदी हुआ कितना बिक्री हुआ। तो पर्टिकुलर सीजन में भी आपको पता चल सकता है कि ऑन अ गिवन डे कितना सेल हो रहा है, तो उससे भी अपने को आइडिया आता है। तो ये सबसे बेसिकली आपको क्या पता करना है, आपका आपका वो बाइंग पैटर्न फिक्स करना है। मैं जो आपको जानकारी दे रहा हूँ इससे एज ए इन्वेस्टर आपको आपका एक बाइंग पैटर्न फिक्स करना है, आपको इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फिक्स करना है। इसके लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा, डायरेक्टली इन्वेस्ट मत करो, डू लॉट ऑफ रिसर्च एंड इन्वेस्ट। सो आई होप इस वीडियो से आपको जो मैंने एक्शन प्लान दिया आप करेंगे, घर पे एक पांच स्टॉक लो, प्रॉपर एनालिसिस करो एंड देन आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। अगर मेरे को अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि कंपनी का बाइंग पैटर्न क्या है, देन डिस्कस विथ योर एडवाइजर एंड अकॉर्डिंगली डिसाइड लो। सो गाइज थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए, हार्दिक धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।